आज का वैदिक विचार भगवान धन के द्वार खोल देता है। नमस्ते जी। आज का वैदिक विचार भगवान धन के द्वार खोल देता है। ओम पितुनः पुत्रा क्रतुम जुषंत शोषयन्नी अस्य शासम तुरासह वीराय औणद दुराप्रुक्षो पिपेशम नाकम स्त्रीभ्य दुम्नः। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 68वें सूक्त के 5वें मंत्र से लिया गया है। ये जो अस्य इस हृदय विहारी भगवान के शासन को शोषण सुनते हैं तथा तुराशा शीघ्र तदनुसार कार्य करते हैं। न जैसे पुत्रः पुत्र पितुः पिता के कर्तुं कर्म को बुद्धि को जुषंत प्रीति पूर्वक सेवन करते हैं, पुरुषु महाधनी उनके लिए राय धन के दूर द्वारों को वी और नाथ खोल देता है। उस दमुना हृदय घर में रहने वाले सबका दमन करने वाले प्रभु ने नाकम आनंद को स्त्री भी पर्दों से सजा रखा है। इस मंत्र में कहा गया है कि हे मनुष्यों, इस प्रकार से पिता अपने पुत्र को अपने धन के सभी द्वार खोल देता है। अर्थात पिता के पास में जो भी धन होता है, चाहे वह संपत्ति हो चाहे वह किसी प्रकार का मान सम्मान है, वह सब उसको प्राप्त कराने की चेष्टा करता है। जैसे पिता ने उन्नति करी संसार के अंदर, वैसे ही वह भी उन्नति चाहता है। परंतु कब चाहता है? जब वह पुत्र अपने पिता की बात को सुनता है। शासन शोषण अर्थात वह उनकी बात को प्रीति पूर्वक सुनता है, प्रेम पूर्वक उनकी बात की आज्ञा का पालन करता है। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया है कि पितु न पुत्रा क्रतुं जुषंत। जिस प्रकार से पुत्र अपने पिता के सभी कर्तव्यों को पूरा करता है, वैसे ही पिता भी पुत्र के बात को कर्तव्य को पूरा करता है। इसलिए बंधुओं, इस मंत्र में जो विशेष बात कही वो कहा गया तुरासह। जैसे कोई बालक अपने पिता की बात को शीघ्र बांध लेता है, संसार में चाहे कोई कितना ही अच्छा व्यक्ति हो, पर अच्छा तब माना जाता है जब उसकी बात को कोई मानता है। यदि पिता की बात पुत्र नहीं मानेगा तो वह पुत्र उसके लिए योग्य नहीं कहलाएगा, अच्छा नहीं कहलाएगा। तो कहा कि तुरासा शीघ्र कार्य उसकी आज्ञा को मानने वाला हो। पितुन्नः पुत्रः कर्तुं जुषंत, प्रीति पूर्वक उसका सेवन करता हो, उसकी आज्ञा का पालन करता हो। तो कुछ भी कहें, यहाँ पर जो विशेष बात कही गई है कि वह ये कही कि जो उसके पर्दे हैं नाका आनंद के, जो पर्दे हैं, जो रहस्य है, जो गुप्त धन है, वह परमपिता परमेश्वर सभी आत्माओं को मनुष्यों को दे देता है। कैसे देता है? कहा कि कौन सा छुपा हुआ धन है? तो कहा कि 5 प्रकार के धन है। वह है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, वीराय ओनाद दूरह। धन के द्वार वह इस प्रकार से खोलता है। कोई पर्दा छिपा हुआ है, उस पर्दे से हटा देता है। पर किसके लिए वह ऐसा करता है? जैसे कि व्यक्ति पिता पुत्र की आज्ञा को मानता है, वैसे ही परमात्मा की आज्ञा को जो मानते हैं, परमात्मा की बात को जो मानते हैं, और तुरासा शीघ्र ही अपने जीवन के अंदर उन कर्मों को करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, ज्ञान कर्मों को करते हैं, ऐसे मनुष्य को वह परमपिता परमेश्वर अपने सभी धन के द्वार खोल देता है। पिपेशम नाकम स्त्री भी, आनंद के जो पर्दे हैं, आनंद को जो पर्दे में रखा हुआ है, जो गुप्त है, जो छिपा हुआ है, उस पर्दे को वह हटा देता है। और तभी हटाएगा बंधुओं जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। और यदि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे, तो वह भी आपकी बात को नहीं सुनेगा। इसलिए इस मंत्र में यही कहा गया है, जो इस हृदय में स्थित जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसकी बात को हम सुने। और सुनने का तात्पर्य यह होता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। एक व्यक्ति यदि सुनते हुए भी नहीं सुन पाता है, अर्थात जैसे एक बार एक व्यक्ति के पास में 3 प्रकार की मूर्तियां थी, और उन मूर्तियों की विशेषता क्या थी? एक थे 5 रुपए के, एक 50 के, एक 500 की। उस मूर्तिकार ने पूछा कि यह मूर्ति कैसी है? तो उसने कहा कि ये 5 रुपए की, ये 50 की, ये 500 की का ठीक है।
का इसमें क्या विशेषता है? कहा जो 5 रुपए वाली मूर्ति है उसके जो कान है, चाहे 10 से बोलो चाहे 10 से बोलो, कहीं पे भी वो बात नहीं सुन पाता है। दूसरी जो बात, दूसरी मूर्ति थी 50 रुपए की, उसमें कहा कि 10 से बोलोगे और वो उधर निकल जाएगी हवा पास हो जाएगी। तीसरी जो मूर्ति थी वह 500 की थी, वो हृदयंगम कर लेता है, इसलिए कहा सम सुतेन सम गमे मही, हम वेद की बात को सुनते रहे, सम गमे मही साथ साथ चले हैं। इसलिए इस वेद का मंत्र का भाव यही है कि भगवान उन्हीं की बात को सुनता है जो उनकी बात को सुनते हैं, आओ हम उनकी बात को सुने। आज का यही विचार है। इस प्रकार से आप अपने विचारों को अर्थात वैदिक विचारों को सुनने के लिए, वैदिक भजनों को सुनने के लिए, वैदिक सिद्धांत को सुनने के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति शांति।